ये साइबर सिटी है, ये कौन सी कंट्री में होगा ये वाला? जी जी मैं देख लेता हूँ। ये व्यू तो मतलब ये फॉरेन कंट्री का दे रहा है, आउट ऑफ कंट्री ही लग रहा है क्योंकि जो KFC की ब्रांच वगैरह इधर शो हो रही है। अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारा पड़ोसी में लोग इंडिया, फिर नहीं ये इंडिया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता इंडिया। बताएं जी मुझे, अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारा पड़ोसी में लोग चाइना, फिर चाइना की तो आपको पहले मैंने बात की हुई है, चाइना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बांग्लादेश हो सकता, बांग्लादेश हो सकता, इंडिया हो सकता, इंडिया का भी नहीं कह सकते, वो कुछ भी नहीं है, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया डेवलप नहीं है, नहीं अभी डेवलप नहीं है, जैसे एरिया वाइज है, बम्बई है, दिल्ली है, उसका और हिसाब है, अब जैसे लोअर कराची, इस्लामाबाद, अपने शहरों का हिसाब है, ये आप कह सकते हैं, ये इतना डेवलप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये बात करूँ IT के रिलेटेड, इंडिया पाकिस्तान का कंपेरिजन किया जाए, क्या हो सकता है? जी हो सकता है बिल्कुल, पाकिस्तान में इतनी मतलब कि जो स्टूडेंट है ना उसमें अबिलिटी है कि IT में तरक्की करके ना हम बाकी ममालिक के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, इसके लिए से हमारी IT इंडस्ट्री बहुत आगे है, बहुत आगे है। अच्छा, IT में पढ़ने वाले बच्चे हैं गाइस, अभी हम IQ लेवल चेक करेंगे, IT में पढ़ने वाले बच्चों को क्या आपको पता है साइबर सिटी किसे कहते हैं? नो सर, आई डोंट, आपको पता? नो, आपको पता? क्या साइबर सिटी? साइबर सिटी, साइबर जो जिधर वो साइबर सिटी उसे कहते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी हो। सिटी साइबर सिटी पता क्या होती है? दुबई में साइबर सिटी पता क्या होती है? नहीं। आपको पता? आपको पता नहीं? देखिए हमारे बड़ों को भी नहीं पता साइबर सिटी क्या होती है। साइबर सिटी के बारे में पता, साइबर सिटी क्या होती है? नहीं नहीं, साइबर सिटी नहीं। पाकिस्तान में कोई साइबर सिटी होगी? जी जी है साइबर सिटी। कितनी सिटीज है पाकिस्तान में? इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो पाकिस्तान के बिग सिटीज है जैसे इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, इनमें मतलब साइबर सिटी है। हम आगे इंडिया से क्यों नहीं? हम इंडिया से आगे? यस। आपको क्या लगता है? आगे आगे नहीं है पर चले जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द जाएंगे। तो कह रहे हैं हम आगे नहीं है, हम आगे है क्यों नहीं है? वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हूँ मैं। सर नाम आपका? फैसल खान। क्या करते हैं? मैं एक्टिविटीज वगैरह करता हूँ सोशल मीडिया वगैरह पे, एक्टिविटीज। अच्छा, फैशन शो, फैशन शो वगैरह, इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ मैं। ओके वेरी नाइस यार, बड़ी अच्छी बात है। क्या आपको पता है साइबर सिटी क्या होता है? साइबर सिटी का नहीं पता, सेफ सिटी का पता है हमें। सेफ सिटी क्या होता है? सेफ सिटी आपको ये होता है, अक्सर कैमरे लगे होते हैं जो आपको कोई वारदात हो जाती है, कुछ हो जाती है, उसके मुताबिक आपको बता सकते हैं। साइबर सिटी का नहीं पता? नहीं साइबर, आप बताएं मुझे। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में कोई साइबर सिटी है? साइबर सिटी नहीं, इसका मुझे इल्म नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, ये आपने देख के बताना कि कौन सी कंट्री में ये वाली जगह पाई जाती है और क्या लग रहा है कि देखने में ये। ये बताइए किधर का लग रहा है? ये लग रहा है चाइना। चाइना लग रहा है? चाइना। अगर मैं कहूँ चाइना नहीं है फिर? फिर किधर का लग रहा है? और से देखें। किधर का लग रहा है? नहीं पता लग रहा है। गैस कर लो, अमेरिका, यूरोप, न्यूयॉर्क, चाइना भी हो सकता है, लेकिन चाइना नहीं। चाइना के अलावा आप कर सकते हैं मलेशिया, मलेशिया कर सकते हैं, बांग्लादेश कर सकते हैं आप, सऊदी अरब नहीं, UAE वगैरह नहीं, UAE नहीं हो सकता। क्यों? ये चीज का पता लग गया, जो हमने विजिट किया हमें पता है। UAE विजिट किया हुआ? कहाँ गए? मैं अबू धाबी गया हूँ मैं। क्यों? काम के सिलसिले में? जी काम के सिलसिले में। जबरदस्त हो गया। तो ये वो नहीं है? वो नहीं, आप बताएं आप क्या है? आपकी तो कोई नहीं, नहीं मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि ये जो है साइबर सिटी है, यहाँ पर जो है जितना भी टेक का सामान, जितना भी टेक के इंडस्ट्री है, यहाँ पर डील होती है। समझ आई? ठीक हो गया। हाँ जी, तो ये पता किधर का हो सकता? नहीं ये मुझे नहीं पता। करो यार, मैं गेस नहीं कर सकता, मैं इतना अंदर नहीं जा सकता। इतना डेवलप, चेक करो ना, एक सिटी बनाई है उन्होंने जहाँ पर हर एक चीज आपके पहुँच पे है। ये चेक करो, ये चेक करो। नहीं पता चल रहा? नहीं मुझे पता नहीं चल रहा। गेस कर लो। गेस, मैंने गेस कर लिया, मुझे समझ नहीं पता। नहीं मुझे पता नहीं चल रहा। अच्छा मैं बताऊं? हाँ जी आप बताएं। आप यकीन कर लोगे? चलें आप बताएं जी मुझे। अगर मैं ये कहूं कि ये हमारा पड़ोसी में लोग चाइना, फिर चाइना की तो आपको पहले मैंने बात की हुई है। चाइना नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। बांग्लादेश हो सकता? बांग्लादेश हो सकता है। इंडिया हो सकता है? इंडिया का भी नहीं कह सकते, वो कुछ भी नहीं है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं। इंडिया डेवलप नहीं है? नहीं अभी डेवलप नहीं है, जैसे एरिया वाइज है, बम्बई है, दिल्ली है, उसका और हिसाब है, अब जैसे लोअर कराची, इस्लामाबाद, अपने शहरों का हिसाब है। हाँ। ये आप कह सकते मतलब हैं ये इतना डेवलप नहीं हो सकता? नहीं हो सकता ये चीज़। अच्छा, ये मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं भाई, ये इंडिया ही है। अच्छा जी, बहुत बात है जी। क्या कहेंगे?
कुछ भी नहीं कहेंगे, हर बंदा अपनी तरक्की कर रहा है, ठीक है, पाकिस्तान में तो कह रहे थे इंडिया है नहीं। आप, आपकी आपकी राय है, ये थोड़ी है कि आप, अपने बोला है ना ये इंडिया है। मैं तो करो हर बुरा कोशिश कर, आप मेरे साथ गुलबर्ग आ जाएं, आप कहेंगे आप यूरोप में आ गए है या नहीं, गुलबर्ग चलिए मॉडल टाउन में साइबर सिटी है, मॉडल टाउन में साइबर सिटी है, एमएम मालम रोड तो है, अब एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। आप तो ये एमएम मालम रोड वो एक यार, एक मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ आप शायद समझ नहीं पा रहे, साइबर सिटी पता किसे कहते हैं, मैंने पहले बताया। हाँ जी आप बताएं, साइबर हर चीज की मैनेजमेंट वहाँ पे, हर काम उधर, आप ये हर काम मार्केटिंग डेवलपमेंट का आप बात कर रहे हैं, कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं? नहीं साइबर सिटी में। हाँ जी क्या कर रहे हैं साइबर सिटी में? साइबर सिटी जितना भी है भाई मैं बताना चाहूँगा, जिस चीज़ नहीं पता होती बंदा पूछ ले, साइबर सिटी जो होती है भाई वो टेक के रिलेटेड होती है, आपके टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो भी होती है आईटी के रिलेटेड, जितने भी सारे निज़ाम संभाले जाते हैं वो उस सिटी के अंदर संभाले जाते हैं जिसे साइबर सिटी कहते हैं। समझ आई? समझ आ गई बहुत बार। क्या समझ आई? आपने बड़ा एक्सपीरियंस दिया हमें, ये आपकी समझ आई हमें? नहीं नहीं क्या समझ क्या आई है? आपने साइबर सिटी के बारे में बता दिया, इससे बड़ी और क्या बात है। हाँ जी साइबर सिटी आप कोई भी पूछे पाकिस्तान के अंदर कितनी साइबर सिटीज पाई जाती हैं? अब इसका तो पता नहीं, आपने मुझे नॉलेज देना कितनी बनती है बताएं आप मुझे। पाकिस्तान के अंदर एक भी साइबर सिटी नहीं है। अच्छा अभी एक भी नहीं है? इंडिया के अंदर 24-25 साइबर सिटीज पाई जाती हैं। बहुत बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। साइबर सिटी टेक के हवाले से इंडिया दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। अच्छा आईटी के रिलेटेड? आईटी के रिलेटेड वो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से ज्यादा अपनी आईटी एक्सपोर्ट करता खाली। अच्छा आपको तो पता होना चाहिए, आप तो आईटी के रिलेटेड, आईटी के रिलेटेड काम कर रहे हो, इसके सोशल मीडिया में काम कर रहे हो, इस तरफ हमने फोकस किया ही कोई नहीं है। करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए, वेरी बात। विदाउट आईटी के, विदाउट विदाउट सोशल मीडिया के आज के टाइम के अंदर कोई मुल्क तरक्की कर सकता? जिस तरह की आपने बात बताई है साइबर सिटी इंडिया के बारे में बहुत आगे चला गया। मैं जनरल से क्वेश्चन, जनरल से बात कर रहे हैं आप, विदाउट आईटी के तरक्की कर सकता कोई? नहीं कोई भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अभी शिफ्ट हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आजम हुसैन आकिब अली, क्या करते हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आईटी करते हैं। आईटी यूनिवर्सिटी, आईटी यूनिवर्सिटी, जबरदस्त यार, आईटी के स्टूडेंट मौजूद है हमारे साथ। आईटी में क्या पढ़ रहे हो, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है अभी। अच्छा फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो आईटी के बारे में क्या जानते हो, आईटी होती क्या है, क्या आईटी के रिलेटेड अगर हम अपने मुल्क के कंपैरिजन इंडिया के साथ करें, जापान के साथ करें, चाइना के साथ करें, अमेरिका के साथ करें, किसी के साथ कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं। आईटी में ये है कि हम सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अब इस जो अब मॉडर्न दौर है टेक्नोलॉजी का है। क्यों आगे हैं इंडिया? आगे हमें आगे हैं इंडिया से, क्यों नहीं, इंडिया से आगे? यस आपको क्या लगता है? आगे आगे नहीं है पर चले जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द जाएंगे। तो कह रहे हैं हम आगे नहीं है, हम आगे हैं, क्यों नहीं है? अभी जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे, अभी टाइम लगेगा। आईटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं गाइस, अभी हम आईक्यू लेवल चेक करेंगे। आईटी में पढ़ने वाले बच्चों को क्या आपको पता साइबर सिटी किसे कहते हैं? नो सर आई डोंट, आपको पता? नो आपको पता? क्या साइबर सिटी, साइबर सिटी, साइबर जो जिधर वो नीचे कर लो ना, आप नीचे कर जी। साइबर सिटी उसे कहते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी हो बहुत हाई। किस चीज की सिक्योरिटी? मतलब कंप्यूटर की हो, इन कैमराज की सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। मतलब आप थोड़ा बहुत सही बोल रहे हैं। आपको पता है साइबर सिटी पाकिस्तान में कितनी है? ए, दो तीन है। दो तीन है? हाँ। अच्छा मुझे तो नहीं पता, आप बताएं किधर किधर है? लाहौर में मे भी हो, मे भी हो, मे भी आपको हो। क्या लगता है पाकिस्तान में है? होगी, होगी, होगी। आईटी में पढ़ने वाले बच्चों को होगी या अभी कंफर्म तो होना चाहिए? मे भी होगा, मे भी होगा, एक इस्लामाबाद लाहौर कराची में। कम कम है, कम कम आता है यार, सही कह रहे हो आप। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, वीडियो दिखाकर आपसे पूछूंगा कि भाई ये बताएं, उसके बाद बताऊंगा कि साइबर सिटी किधर है। ये साइबर सिटी है, ये पहचानना है आपने किधर है। किधर की लग रही है ये? इस्लामाबाद की, लाहौर। पाकिस्तान नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है। आउट ऑफ कंट्री ये चाइना, चाइना नहीं, चाइना इंडिया, है? इंडिया, इंडिया नहीं, जापान है, है? जापान। इंडिया इतना डेवलप हो सकता है? नहीं हो सकता। No. नहीं हो सकता, आप बताएं। जापान हो सकता। तरक्की आपका? नहीं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। साइबर सिटीज पाकिस्तान में आपने कितनी कहा अंदाजन? अंदाजन में भी कोई भी नहीं है अभी। इंडिया में पता कितनी है? कितनी है आपको पता? कितनी? No. आपको पता? चार, चार है, चार है। अंदाजा तुक्का लगा दिया, तुक्का लगा दिया। चार किधर किधर हो सकती है, थोड़ा नाम बता सकते हो? एक मुंबई में हो सकती है, एक दिल्ली में, और आई नो में हो सकती है अहमदाबाद और हैदराबाद में भी।
आप इंडिया का कोई भी स्टेट निकाल लो, चलो पहले ये गैस करो ना फिर बताता हूँ आपको। नहीं पता चल रहा? नहीं चल रहा। नो यार, चाइना। चाइना चाइना चाइना। अरे वाह क्या बात है यार, लड़के ने बिल्कुल गलत बताया। अच्छा ये मैं बताऊँ किधर की है? यस। आप लोग यकीन कर लोगे? यस। नहीं। हाँ जी किधर की है? यकीन कर लोगे? कर लेंगे। कर लोगे? कर लेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारा पड़ोसी में लोग इंडिया है फिर? नहीं है। नहीं ये इंडिया नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आप क्या कहेंगे? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता इंडिया। क्यों नहीं हो सकता यार? इंडिया इतना तरक्की याफ्ता हो ही नहीं सकता। हाँ तरक्की याफ्ता कौन है? तरक्की याफ्ता चाइना है, यूएसए है, जापान है, ये हो सकते हैं, इटली वगैरह। आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा नज़दीक नज़दीक आ जाओ, जरा कैमरे के पास आ जाओ, और आप लोगों का मुझे वो रिएक्शन चाहिए जो कि अभी मैं बताने जा रहा हूँ। भाईजान ये इंडिया ही है? नहीं इंडिया नहीं हो, नहीं हम मान ही नहीं सकते। इंडिया नहीं हो सकता, ये लोग मान ही नहीं रहे। अभी मैं मनवाता हूँ, सब्र करें, ये चेक करें, ये क्या लिखा हुआ है? साइबर सिटी गुड़गांव। किधर है गुड़गांव? इंडिया में होगा। इंडिया में होगा नहीं, इंडिया में है। और मैं आपको इसके साथ बताऊं, 24 तो मैं गिनवा सकता हूं फिंगर टिप्स के अंदर कि कौन कौन से सिटीज के अंदर उनके साइबर सिटीज पाई जाती हैं। 24 मैं गिनवा सकता हूं। 24? हाँ जी। तो हमारे मुल्क में एक भी साइबर सिटी नहीं है, 24 उनके उधर है। इंशाल्लाह हम अगली बार इलेक्शन खुद लड़ेंगे और बनाएंगे इंशाल्लाह। तो बात तो ये कर रहा था मैं कि आप मान क्यों नहीं रहे थे कि इंडिया, वो हम इंडिया को बहुत नीचे समझते हैं इसलिए। क्यों? क्योंकि वो इतना डेवलप नहीं हो सकता। डेवलप नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। क्योंकि उनके पास कोई इतनी वेल एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन एजुकेशन लेवल तो हमारा पता चल रहा है कि हमें दुनिया की एजुकेशन नहीं है, समझ रहे? माइंड नहीं करना मेरी बात। नहीं माइंड नहीं, इंडिया के बारे में हम इतना सर्च ही नहीं करते हैं। क्यों क्यों नहीं करते? करनी चाहिए कि नहीं? नहीं इंडिया के बारे में हम क्यों करें सर्च? तो भाई वो दुनिया चांद पे पहुंच गया, पांचवी बड़ी मैशत बना ली। हम भी जाने वाले हैं चांद तक। तो किधर जा रहे हो? चांद पर जाने वाले हैं। जाने वाले हो? कब जाने वाले हो? कब जाने वाले हो बताओ? अगले माह इंशाल्लाह जाएंगे। कौन लेके जाएगा? ये लेके जाएगा। अब चांद पे लेके जाओगे? क्यों नहीं लेके जाएंगे भाई? लेके जाओगे? अल्लाह पे यकीन है, इंशाल्लाह मेहनत करते हैं। अल्लाह पे यकीन, अल्लाह ताला ने तो कुछ हमारे हिस्से में भी छोड़ा कि सर्च करो, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ो और चांद पर जाओ, दुनिया तुम्हारे लिए मैंने बनाई है, तो इसके ऊपर ढूंढो, सब अकल रखने वालों के लिए निशानियां हैं। वो तो है लेकिन हम मेहनत तो कर रहे हैं ना अपनी। किधर मेहनत कर रहे हैं? ज्यादातर हम सिंध से। साइबर सिटी एक भी क्यों नहीं बनाई? सिंध से। सिंध से वापस सिंध से यहां से आए। आप लोग सारे सिंध से हो? नहीं ये दो सिंध से, मैं लाहौर से हूं। जबरदस्त, इनका तो बनता है यार, आपको तो नहीं बनता। मेरा क्यों? आपको तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इनका क्यों बनता है? ये सिंध में बहुत बैकवर्ड एरिया है इनका, बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। में रहते हैं वो जितना मर्जी रहते हो, पाकिस्तान का पूरा सबसे ज्यादा अगर दो सिटीज डेवलप है लाहौर या फिर इस्लामाबाद, उनका बनता है? बनता है? इंटरनेट अवेलेबल है वहाँ सिंध में? नहीं है। शुक्र है मान तो गए हो। नहीं शुक्र है मान गया, नहीं तो कहते हैं सिंध बहुत है लेवल पे पहुंच गया। चले चले यार आप लोग थोड़ा ना रिसर्च करें, हम रिसर्च इंडिया के बारे में करने क्यों जरूरी है? एक चीज बताता हूँ आपको, एक ही टाइम के अंदर दो मुल्क अलग हुए, हमने तरक्की हमसे उनसे अलादगी हमने ली है, उन्होंने नहीं कर रहे थे वो हमें अलग, हमने इसलिए की थी कि हम डेवलप होंगे तरक्की करेंगे। हमें ये सारी रिसर्च करने की जरूरत है कि हम पीछे हैं तो आज क्यों है, अगर वो हमसे आगे हैं तो आज कैसे निकले, ये चीज सर्च करके। अगर हम उनको फॉलो नहीं कर सकते रास्ते पर तो चलें, तरक्की कैसे की जाती है? गलत बात है? नहीं सही बात है। चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सर्च कीजिएगा इस बारे में। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। नाम आपका? मोहम्मद वसीम। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ चुकता लैब में। जबरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस आपसे ये है, अगर मैं बात करूँ कंपैरिजन करूँ अपने कंट्री का दूसरे किसी कंट्री के साथ आईटी के रिलेटेड, क्या अगर मैं बात करूँ आईटी के रिलेटेड इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए, क्या हो सकता है? जी हो सकता है बिल्कुल। पाकिस्तान में इतनी मतलब कि जो स्टूडेंट है ना उसमें एबिलिटी है कि आईटी में तरक्की करके ना हम बाकी ममालिक के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके लिए से हमारी आईटी इंडस्ट्री बहुत आगे है। बहुत आगे है। अच्छा कितना आगे है? बहुत आगे है। इस जितना हम हार्ड वर्क कर सकते हैं ना हम इंडिया से बहुत आगे जा सकते हैं। अच्छा, वो हमारे हैं अभी जा रहे हैं? जा रहे हैं इंशाल्लाह। आईटी क्योंकि बहुत तरक्की करी है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से। आपकी क्वालिफिकेशन क्या भाई? मेरी बीएस। बीएस किया हुआ आपने किस पे? बीएस एमएलडी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। जबरदस्त यार, बीएस करने वाले बंदे को
आईटी की इंडस्ट्री के बारे में दुनिया के खबरों से वाकिफ हो थोड़े से? जी जी थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत देखते हैं। अच्छा, आईटी इंडस्ट्री के अंदर दुनिया में दूसरे नंबर पर कौन सा मुल्क है आईटी के हिसाब से? आईटी के हिसाब से इतना मुझे आईडिया नहीं है। दुनिया में पहले नंबर पर कौन सा? इतना आइडिया नहीं, आईटी के हिसाब से नहीं है। मेडिकल के पूछे उसको मैं आपको अच्छा जवाब। मेडिकल के हिसाब से दुनिया की फैक्ट्री किसे कहा जाता, दुनिया की फार्मेसी किसे कहा जाता है? दुनिया की फार्मेसी अमेरिका ही है, बहुत अच्छा इसमें। तीसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पर चाइना है। तीसरे नंबर पर इंडिया। अच्छा, हाँ जी, मतलब तीसरे नंबर पर इंडिया को लेके आए। यहाँ पर तो दुनिया की फार्मेसी इंडिया को कहा जाता है ये मैंने सुना था, दूसरे तीसरे नंबर का नहीं पता। आईटी में कहाँ होगा इंडिया? आईटी में भी इंडिया बहुत ज्यादा है फिलहाल वक्त के जो करंट सिचुएशन है इसमें, इंडिया पाकिस्तान आ गया। फिलहाल की जो सिचुएशन के अंदर अभी नई खबर हमें मिली है पाकिस्तान बहुत ज्यादा आगे है आईटी में। अच्छा, अगर बात करूं साइबर सिटी के बारे में, पता साइबर सिटी क्या होती है? नहीं नहीं, साइबर सिटी नहीं, पाकिस्तान में कोई साइबर सिटी होगी? जी जी है साइबर सिटी। कितनी सिटीज है पाकिस्तान में? इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो पाकिस्तान के बिग सिटीज है जैसे इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, इनमें मतलब साइबर सिटी है, यहाँ पर काम भी हो रहा है, इसकी ब्रांचे भी है। दिखाना चाहूंगा जी, दिखाएं जरूर। ये आपने वीडियो देख के बताना कि ये कौन सी कंट्री लग रही है आपको भाईजान, ये साइबर सिटी है, ये कौन सी कंट्री में होगा ये वाला? जी जी मैं देख लेता हूँ। ये व्यू तो मतलब ये फॉरेन कंट्री का दे रहा है, लेकिन लग मुझे लाहौर ही रहा है अपना गुलबर्ग। पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ कंट्री ही लग रहा है, क्योंकि जो केएफसी की ब्रांच वगैरह इधर शो हो रही है तो कनाडा मुझे लग रहा है। ये कनाडा, कनाडा लग रहा है। हाँ जी। अच्छा, अगर हमारे बात करूँ कनाडा नहीं है ये, हाँ हमारे आस पड़ोस की कंट्रीज में से एक है। सही है, हमारे आस पड़ोस में तो यही है, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया। पता क्या है, ये साइबर सिटी है। सही है, साइबर सिटी में क्या होता पता? साइबर सिटी मतलब एक तो हमारी साइबर सिटी की एक ब्रांच है ना, वो मैं उसके मुताबिक समझा, ये और चीज़ है। साइबर सिटी क्या होती है? क्या होती? साइबर, साइबर मतलब कि जो क्राइम वाला जो इलाका होता है, साइबर मैन क्राइम। नहीं भाई, साइबर सिटी है, साइबर सिटी ये वो साइबर सिटी है। देखें यहाँ पर आप अंदाजा लगाएं कि हमें पता भी नहीं है साइबर सिटी होती क्या। मुझे भी नहीं पता था। क्राइम होते हैं ना वो, सॉरी मैं आप साइबर सिटी पूछते रहा, मैं साइबर क्राइम के बारे में आपको बताता रहा। साइबर सिटी होती वो है, साइबर सिटी का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर टोटली टेक, जहाँ पर आईटी इंडस्ट्री को संभाला जाता है, जहाँ से उस सिटी के अंदर बैठकर पूरे इलाके की जो मॉनिटरिंग की जाती है, आईटी इंडस्ट्री को संभाला जाता है, उससे कहते हैं साइबर सिटी। कोई हमारे हमारे लाहौर के अंदर कोई साइबर सिटी है, इस्लामाबाद के अंदर हो, कराची के अंदर हो, कोई आपको अभी तक कोई पता चला? नहीं, आइडिया तो नहीं है, लेकिन इधर जोहटन वाली साइड पे जाए, सॉरी जनरल हॉस्पिटल के साथ, उधर अरफा है, लेकिन जो बहुत बड़ा सुना है कि बहुत आईटी के हिसाब से बहुत बड़ी मतलब इधर कंपनी है। देखो, क्योंकि लाहौर में भी मुझे इतना खास आइडिया नहीं है कि मैं अभी नया आया हूँ, मतलब 4-5 मंथ हुए। बिल्कुल सही, नहीं पता चला, नहीं पता चला। एक मिनट बच्चे, मैं आपसे बात जरूर करता हूँ, आपको पता साइबर सिटी क्या किसे कहते हैं? हैं? साइबर सिटी पता क्या होती है? वो क्या है भाई? देखा, बच्चे को भी नहीं पता, यही चीज है ना। अच्छा, यहाँ पर ये जो क्या पता चल रहा है, बच्चे बताओ किधर का लग रहा है ये? मुझे तो चाइना लग रहा है भाई। चाइना लग रहा है? ये चाइना नहीं है। अंकल आपको क्या लग रहा है ये किधर का हो सकता है? ये लाहौर का ही है। लाहौर है? लाहौर नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री है। ये साइबर सिटी है, बताता जाऊं? साइबर सिटी, हां जी, दुबई। साइबर सिटी पता क्या होती है? दुबई में है। साइबर सिटी पता क्या होती है? नहीं, आपको पता? आपको पता नहीं? देखिए, हमारे बड़ों को भी नहीं पता साइबर सिटी क्या होती है। मैं आप सबको बताऊंगा साइबर सिटी क्या होती है, भाई से मैं बातचीत करूं, उसके बाद आप। मैं बताता हूं आपको। अच्छा, साइबर सिटी भाई ये पता किधर का? जी जी, ये अगर इधर आओ, सारे आ जाओ। नहीं ना, पता आप किसी को? दुबई में? दुबई में नहीं, दुबई में भी है, लेकिन ये दुबई नहीं है। ये मैं बताऊँ किधर है? यूएसए भी हो सकता है, लेकिन यूएसए नहीं है। ये हमारे आस पड़ोस की कंट्री है, गेस करो। इंडिया। इंडिया में हो सकता है? नहीं, ऐसे लगता था। क्यों? चाइना। चाइना नहीं है भाई, तुम माइक छोड़ के बात करो। इंडिया हो सकता है? इंडिया तरक्की याफ्ता मुल्क है या नहीं? जी, इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है। अच्छा, आपको कैसे पता, किसने बताया? ये यूट्यूब। यूट्यूब देखते हो? यूट्यूब पे किसको फॉलो करते हो? टिकटॉक वाला। अच्छा, एक मिनट, आप पापा के पास जाओ, शाबाश। अभी हम भाई, बड़े भाइयों से बात करेंगे, आज इधर आ जाए। नहीं नहीं, आप रहेंगे, आप इधर रहेंगे। अभी तो मैंने आपको साइबर सिटी के बारे में बताना। साइबर सिटी पता कौन सी कंट्री में? जी जी बताया। ये जो वीडियो मैंने दिखाई है, ये वाकई में बच्चे सही है, ये इंडिया में सही है। हाँ जी, साइबर सिटी
चांद में पहुंच चुके हैं। हाँ जी वो चांद पे बच्चे को पता है यार। जी जी अभी तो बताया जाता इंडिया दुश्मन नहीं हमारा। दुश्मन है लेकिन क्या कह रहे दुश्मन है लेकिन लोग भी दुश्मन है पर हमसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। बच्चों को पता लेकिन आपको नहीं पता यार। साइबर क्राइम साइबर इनको किधर पता है आप बताए ना। साइबर सिटी में पता क्या होता है इंटरनल सिटी होते हैं। नहीं इंटरनल सिटी नहीं होता उसके अंदर सारे टेक के मामला संभाले जाते हैं जितने भी आईटी के जितना भी आपके कंट्री के अंदर हमारे मुल्क के फॉर एग्जांपल के लाहौर का एक साइबर सिटी होता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर आपके स्कूल में पढ़ाया जाता इंडिया के बारे में पढ़ाया जाता ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता। क्या पढ़ाया जाता साइंस के बारे में पढ़ाया जाता इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। नहीं पढ़ाया जाता जबरदस्त बहुत अच्छा करते हैं। क्या हमें जो सोशल स्टडी की किताब में पढ़ाया जाता था वो पढ़ा आपने। नहीं सोशल स्टडी में इसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता अभी भी नहीं पढ़ाया जा रहा बाहर नहीं पढ़ाया जाता। नहीं मैं तो ज्यादा था कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है जा रहे ये तो पढ़ जा रहे हैं ना जो आईटी के जो आप साइबर के पूछ रहे हैं इसके रिलेटेड अभी तक कोई नॉलेज नहीं है आवाम के अंदर मतलब कि आगाही नहीं हुई बिल्कुल भी इधर चाहिए होनी चाहिए बिल्कुल इसकी आगाही होगी तो तभी मतलब हमें फायदा होगा ना बच्चों को पता चल जाएगा आईटी की कितनी तरक्की हो रही है। आईटी बहुत आगे जा रही है लेकिन अभी आईटी की अभी फुल डिटेल के नहीं पता चल रहा इसके बेनिफिट्स के नहीं पता चल रहे हमें। आप साइबर सिटी के बारे में पता करना इंडिया के अंदर 24 से 25 या 27 भी हो सकते हैं जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैंने 24 साइबर सिटीज उनकी गिन रखी है हर कंट्री के अंदर हर मुल्क के अंदर इंडिया आईटी में दूसरे नंबर पर है। हमारा कोई नंबर ही नहीं है पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से ज्यादा वो आईटी एक्सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल समझ आ गई अभी रिसर्च करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच बॉयज बहुत शुक्रिया।